हाय फ्रेंड्स, अनमोल और कृष्णा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जहां इस समय हम लोग रह रहे हैं कानपुर शताब्दी नगर में अपने फ्लैटिंग एरिया दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग सब लोग। और ये हैं सारे फ्लैट, ये हिमालय भवन है, 2 BHK अपार्टमेंट है ये। चलो अंदर चलो अंदर चलो। ये ब्लॉक ए है, यहाँ की लोकेशन एक नंबर है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक रह रही है इस समय यहाँ पे। 4 BHK 2 BHK अपार्टमेंट है, 4 फ्लोर बने हुए हैं सभी में। ये पार्क है, हर फ्लैट में, जैसे हिमालय भवन है, शिवालिक भवन है, हम आपको सबका टूर दिखाएंगे। आज हम लोग सिर्फ फ्लैटिंग टूर दिखा रहे हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में अंदर के भी सारे फ्लैट की क्या कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं। दूसरे ब्लॉग में कल हमारा ब्लॉग लॉन्च होगा, उसका ना उसमें सब होंगे, जितने फ्लैट के अंदर में जितने बड़े हैं, 2 BHK 1 BHK 3 BHK सब। अब हम लोग चल रहे हैं, ये हिमालय पूरा है। अब ये आता है, ये जो पिंक कलर के अपार्टमेंट दिख रहे हैं, चलो चलो, पिंक कलर के अपार्टमेंट दिख रहे हैं, दिस इज द हिमगिरी भवन। ये 1 BHK अपार्टमेंट है, 35 square feet है इसका एरिया, और देख सकते हैं। और ये पूरा इसके सामने पूरा हिमालय भवन है, ये पूरा शिवालिक, ये है पूरा हिमगिरी भवन है, पूरा हिमगिरी भवन है। हर फ्लैट के तरफ एक पार्क है ही है, मतलब इसमें। चलो, ये है शिवालिक फ्लैट्स, ये भी 4 बिल्डिंग्स के हैं, लेकिन इसमें 16 फ्लैट्स हैं। हर फ्लैटिंग एरिया में जो 4 बिल्डिंग्स, ये है हम लोग का गेस्ट हाउस, मतलब जितने यहाँ पे फ्लैट में लोग रह रहे हैं वो सारा कार्यक्रम इसमें कर सकते हैं। ये पूरा गेस्ट हाउस है, देख लो आप लोग, पूरा केडीए का गेस्ट हाउस है शिवालिक के फ्लैट जिसमें अब इस समय हम रह रहे हैं। और इनका प्राइस 10 लाख है और हिमालय का प्राइस इस समय 25 लाख अबव। और ये छोटा सा मंदिर है और ये पार्क है पूरा शिवालिक में। शिवालिक में 3 पार्क्स हैं, एक ये पार्क है, इसके पीछे और पार्क है, क्योंकि शिवालिक सबसे ज़्यादा फ्लैट वाले हैं, और एक वो वाला पार्क है छोटा सा। ये सारे फ्लैट्स हैं, ये देख सकते हैं, ये 1 BHK और इसका स्क्वायर फीट 29.63 है। सबसे स्मॉल यही है हिमगिरी का स्क्वायर। अब ये आ गया है हमारा स्टेडियम, अब हम लोग जा रहे हैं अपने स्टेडियम में। स्टेडियम का भी कंस्ट्रक्शन में है, अब स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, स्टेडियम अभी कंस्ट्रक्शन में है। हमारा स्टेडियम है, अब हम लोग यहाँ से अंदर चल रहे हैं। चलो, ये अभी 1 ईयर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी लॉक पड़ा हुआ है अंदर, वो वाला गेट खुला है। ये स्टेडियम की एंट्री तो वो थी, ये दूसरा गेट है स्टेडियम का, अभी देख सकते हैं स्टेडियम पूरा कंस्ट्रक्शन पे है। ये स्टेडियम की एंट्री है और ये पूरा मॉल बनेगा, ये पूरा मॉल बन रहा है स्टेडियम में, ये पूरा मॉल है। और ये 52 शॉप्स हैं जो मतलब ख़रीदना चाहेगा 25 लाख पर शॉप प्राइस है, पर शॉप 52 शॉप्स बनी है पूरी, ये देखो। चलो, पूरा ये 52 शॉप्स बनी हुई हैं लाइन से, वन बाय। आप भी गिन सकते हैं। और ये पूरा स्टेडियम का पार्क है, लॉन है, मतलब जो पूरा स्टेडियम टूर है। और इसके सामने से यहाँ जो फ्लैट लेगा उसको बहुत अच्छा है, ये शिवालिक फ्लैट है, जो लेगा बहुत मज़े में रहेगा। सामने स्टेडियम है, ये 52 शॉप्स स्टार्ट हो रही हैं, सब में टाइल्स वाइज लगा है। और जितने फ्लैट हैं किचन में, वॉशरूम में, किचन में भी आधी आधी दीवार पर टाइल्स हैं, वॉशरूम में भी आधी आधी पे, जो फ्लैट ले लो, और फर्श पर पूरा टाइल्स है। और 2 BHK 1 BHK 3 BHK मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है यार।
फोर बीएचके नहीं है यहाँ पे, ओनली टू बीएचके, वन बीएचके। भैया लोग कैसे सब काम कर रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, अभी पूरा ये चल रहा है इसका। फ्लैट से निकलते ही ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है, और ये एक फिटनेस फोर्ट है जिसमें जिम है पूरा, और ये जॉनसन के टाइल्स हैं, जॉनसन कंपनी के टाइल्स हैं। ये देखो, ये भाई हम लोग हिमालय के फ्लैट्स पे हैं, ये सब हिमालय के फ्लैट्स हैं। देखो बाहर कितना अच्छा, बाहर से घर करवा लिया है सबने, कितने अच्छे अच्छे। नीचे का जिनका है उनने बहुत अच्छा पूरा अपना पार्क बना के रखा है, पूरा गार्डन है सबका। ये देखो नीचे का गार्डन कितना सुंदर है, सबने गार्डन बना के रखे हैं। है ये हम लोग शताब्दी नगर में है, यहाँ पे एक शतक चश्मे हैं, और ये सामने शताब्दी सुपर मार्ट है। यहाँ पे पूरा मॉल के तरीके, यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है। ये टाइल्स की शॉप है राम जी, है केडीए ड्रीम, सबसे शताब्दी नगर में सबसे महंगे और सबसे यूनिक अपार्टमेंट है ये 34 लाख। और अभी ये आधे से ज़्यादा खाली है, मतलब 100 में 20% अभी इसमें हो रहा है, 80% फ्लैट पूरे खाली है। इसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेन गेट है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेन गेट है, पूरी सेफ्टी के साथ है। ये 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं। 2 है कि 3 है? 2 है। हाँ 2 BHK। अब हम लोग जा रहे हैं, कितनी अच्छी बिल्डिंग है ये सब पूरा। ये अब हम लोग आ गए हैं केडीए ड्रीम्स के जस्ट सामने, नीलगिरी भवन। ये भी 1 BHK है, बट इसका स्क्वायर फिट थोड़ा सा ज़्यादा है, 36 या 37 के आसपास है। और वो सामने उधर ही है अरावली, अरावली भवन है, वहाँ का स्क्वायर फिट जो शिवालिक है उसी के बराबर है। ये है जवाहरपुरम योजना, ये इसका स्क्वायर फिट ज़्यादा है, और ये 20 लाख में अवेलेबल है। ये जवाहरपुरम योजना है, ये पूरी जवाहरपुरम योजना है, और इनका नाम है एकता एनक्लेव, देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है एकता एनक्लेव। ये पूरा प्लॉटिंग एरिया है हमारा, पूरा ये सब प्लॉटिंग एरिया है, फ्लैट के सामने ही प्लॉटिंग एरिया है। अरे फ्लैट्स एकदम भूल भुलैया जैसे, जहाँ से जाओगे मतलब वहीं आगे मतलब पहुँचोगे, चाहे इधर से आओ तो यही ये इसी चौराहे में आके पहुँचोगे, चाहे जहाँ से चले जाओ। देखो फिर हम लोग पूरा घूम के आए, फिर हिमालय के पास आ गए, और ये आ गया चौराहा क्या, वो कैम्ब्रिज स्कूल आ गए हैं। ये मेरा घर है, शिवालिक पे आ गए हैं, और ये सामने जो शिवालिक में फ्लैट लेगा केडी ड्रीम्स का बैक साइड दिखता है, पूरा केडी ड्रीम्स का बैक साइड। केडी ड्रीम्स से अब हम अपना वीडियो एंड करने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट अनमोल एंड कृष्णा ब्लॉग्स। थैंक यू।